स्वागत है दोस्तों एक और निफ्टी बैंक निफ्टी प्रिडिक्शन वीडियो में। कल मंडे है और मंडे के दिन ऑप्शन ट्रेडर के लिए क्या लेवल्स निकल के आ रहा है, किस लेवल पे बाय करनी है, किस लेवल पे सेल करनी है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में डेली चार्ट और इंट्राडे चार्ट के ऊपर। तो पहले हम लोग निफ्टी का देखेंगे, फिर हम लोग बैंक निफ्टी का देखेंगे और लेवल्स को नोट अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों लेवल जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा लॉजिक है ऑल ओवर वर्ल्ड के ट्रेडर के लिए। तो आप लेवल्स को इग्नोर बिल्कुल मत करना। अगर आप हमारे साथ डेली जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को आप अपना एक प्यारा लाइक दे सकते हैं ताकि हमें और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मोटिवेशन मिले। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। निफ्टी का वन डे के चार्ट पे हम लोग आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। अभी आप देखोगे तो फ्राइडे के दिन मार्केट जो क्लोज हुई है ये 17,100 के आसपास है और अभी आप ये भी देखोगे कि 17,150 जो कि हाई लगाया था और नीचे का 16,950। ठीक है, तो अभी देखोगे इसी रेंज में मार्केट जो है क्या कर रही है, ट्रेड कर रही है और वो है 17,175 और नीचे के साइड में 17,900। ठीक है, 17,900 17,175 250-300 के आसपास पॉइंट जो है इसके बीच में मार्केट ट्रेड कर रही है, लेकिन क्लोज जो हो रही है वो ये 17,100 पे। तो अभी इसका कुछ रीज़न है दोस्तों, क्योंकि आपको भी पता होगा कि 22 मार्च को जो है अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक का जो है एक कमेंट्री आने वाली है, जिसके वजह से जो बड़े प्लेयर्स हैं, बिग प्लेयर्स, बिग पोजीशंस जो है वो अभी बनाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। तो कल मंडे है और मंडे 20 तारीख है, 20 मार्च है, तो 20 मार्च के दिन अभी दो दिन और है फेड रिजर्व का कमेंट्री आने में, तो उसके लिए लोग वेट कर रहे हैं। तो अब पॉजिटिव आता है या नेगेटिव, उसके बाद जो मार्केट पे रिएक्ट करेगा वो बाद की बात है, लेकिन कल के दिन जो है मार्केट में कोई ज़्यादा बिग पोजीशंस बनने वाला है नहीं। एक तो ये ट्रिगर हो गया 22 मार्च फेड का कमेंट्री, उसके बाद अभी आप ऑप्शन चेन में जाके देखोगे NSE पे या फिर अपने डीमैट अकाउंट पे, तो देखोगे कॉल के साइड भी ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बिल्ड हो रहा है, पुट के साइड भी ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बिल्ड हो रहा है सेलर के साथ, लेकिन बड़ी पोजीशंस बायर्स जो है वो नहीं बना रहे हैं। अब यहाँ पे सेलर का डोमिनेट है, सेलर्स दबा के बेच रहे हैं, बायर्स बड़ी पोजीशंस बना नहीं रही है। फेड का जो है कमेंट्री आने वाली है 22 मार्च को, ग्लोबली भी अभी काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल है नहीं, तो मार्केट में क्या है ना एक रेंज बाउंड क्रिएशन कर रहा है, हमें इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो अब मार्केट एक ऑलरेडी पिछले 4-5 दिनों से इस रेंज में घूम रही है और बंद भी इसी रेंज में हुई है इंट्राडे में, तो अब हमें एक रेंज बाउंड ट्रिगर भी मिल रहा है, तो मार्केट में रेंज बाउंड होने का चांसेस लगभग 70-80% है। ठीक है, यानी कि 80% के आसपास मार्केट रेंज बाउंड रहने की उम्मीद है। तो मार्केट में कल जो है थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और लेवल्स को अच्छे से नोट करना है कहाँ पे जाना है। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं इंट्राडे पे कि क्या लेवल्स रहेगा और किस तरह से हमें मार्केट में देखना है, कल को पोजीशंस लेना है। तो अभी देखोगे एक 15 मिनट पर हम लोग आ गए हैं, फ्राइडे के दिन ये हाई है ये 17,150 और अभी क्लोज भी हुई है उसी हाई के आसपास, इस लेवल्स में आके खरीदारी हुई 17,950 के आसपास खरीदारी दिखाया। और देखोगे नीचे अभी इस लेवल में सपोर्ट दिखा रहा है इंट्राडे में, तो मार्केट अगर यहाँ से नीचे भी जाती तो कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ से सपोर्ट ले ही लेती, खरीदारी हो ही जाती, इतना खरीदारी मार्केट में तो हो ही रहा है। ठीक है, तो अभी आप देखोगे मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई है, अब मान लो मंडे को मार्केट जो 17,100 है 175 के आसपास खुलती है, तो क्या है ना कि मार्केट में थोड़ा सा मुनाफा वसूली तो आएगी। अब मुनाफा वसूली जब आएगी तो मार्केट वहाँ से नीचे गिरना है तो रैंडम ट्रेड नहीं लेना है, आपको वेट करना है। देखो क्या करना है, मार्केट या तो आज के क्लोजिंग पे आपको जो आज मतलब फ्राइडे का क्लोजिंग है उसका रिस्पेक्ट दे मार्केट, मंडे को अगर मुनाफा वसूली होके उसका रिस्पेक्ट दे, या फिर अगर 17,175 के ऊपर खुलता है और 150 का ही रिस्पेक्ट देने लगे हाई का, फ्राइडे के हाई का ये वाला रेंज का ही रिस्पेक्ट अगर देने लगे और वहाँ से कुछ ग्लोबली मूड माहौल पॉजिटिव हो, तब वहाँ से मार्केट 125 पॉइंट ऊपर जा सकती है, वो भी स्लोली, काफ़ी ज़्यादा स्पीड में तो बिल्कुल नहीं जाएगी। ठीक है, गैप अप होने के बाद, लेकिन मार्केट अगर इसी रेंज में गैप रेंज बाउंड ओपन हो जाए 10-20-50 पॉइंट ऊपर 17,175 के आसपास, तो आपको ना मार्केट में ना किसी एक साइड का जो है पहले सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस के पास आपको जाने के लिए वेट करना होगा, क्योंकि देखिए एग्रेसिव ट्रेड लेने में आपको कोई भलाई नहीं है, एक साइड का मूवमेंट तो आपको चाहिए ना, कम से कम 70-100 पॉइंट निफ्टी में तो चाहिए, तभी तो आपको एक अच्छी प्रॉफिट होगी। तो अगर मार्केट मान लो इस रेंज में हो तो अब मार्केट को या तो नीचे आने देना चाहिए, क्योंकि 17,000 जो है 17,000-16,975 ये जो रेंज है ना ये तुरंत का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है और मेक एंड ब्रेक लेवल है, क्योंकि अभी ऑप्शन चेन में देखोगे तो 17,000 पे ऑप्शन
चेन में ओआई जो है ओपन इंटरेस्ट कॉल के साइड भी और पुट के साइड भी काफी जबरदस्त बना हुआ है। तो ये क्या है, मेक एंड ब्रेक लेवल है। 16975 चला गया तो इसका मतलब ये नहीं कि 17000 टूट गया, नहीं, 16975 16950 से भी वापस आ सकता है, इस रेंज से भी जैसे पिछले दिन आया था। हाँ, तो एक बार की अगर इस रेंज में आता है तो यहाँ से कॉल ले सकते हैं और फिर मेरा टारगेट 17125 तक का हो सकता है, लेकिन इस रेंज में ही लेंगे। मूड एंड माहौल पॉजिटिव हो तो, अब मान लो कि यहाँ पे खुला और सीधा मार्केट सीधा आ गया शार्प, यहाँ आ गया, उस समय हम नहीं ले लेंगे, शार्प आ गया तो यहाँ पे ले लिए, नहीं। अगर मार्केट धीरे 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 यहाँ पे आता है और यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, अब यहाँ से पुट सेलर और दबा के पुट सेल कर रहे हैं, तब यहाँ से हमें कॉल में जगह मिलेगी और यहाँ से 70 से 80 पॉइंट का हमें टारगेट अच्छे से अचीव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको अगर एक बार की ब्रेक कर दे, 16950 को ब्रेक कर देगा ना, तब जाके मार्केट में आपको देखोगे तो इस रेंज में और इस रेंज में ये दो रुकावट का रेंज है, तो वहाँ से भी पुट में आपको बिल्कुल जगह नहीं बनेगी। पुट में जगह कब बनेगी, जब मार्केट इस रेंज में ट्रेवल कर रहा हो, ठीक है। 17125-150 के बीच में अगर ट्रेवल कर रहा हो तो ये रेंज क्या है, सेलिंग रेंज है, तो यहाँ से आपको पीई या फिर आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। ये मेरी स्ट्रेटजी है, आप अपने लाइव मार्केट में इसी तरह के स्ट्रेटजी को भी करें। बीच में खुलता है तो नीचे आने का वेट करें या ऊपर जाने का वेट करें, इस रेंज में सेल करें, इस रेंज में बाय करें, ठीक है, ये सिंपल है। अगर ऊपर खुलती है तो फिर आप अपने लेवल को वेट करें नीचे आने का, क्योंकि 17000 पे काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, तो ये एक मेक एंड ब्रेक लेवल है। तो 17000 के आसपास 16950-975 अच्छा खासा बाइंग जोन है, तो इस पर आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। अब हम लोग बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या। दोस्तों, बैंक निफ्टी के वनडे के चार्ट पे हम लोग आ चुके हैं। दोस्तों, ट्रिगर ऑलरेडी पता है कि 22 मार्च का जो फेड का कमेंट्री है, सेम इस पे भी लागू होता है, बैंक निफ्टी पे भी लागू होता है। तो बैंक निफ्टी वनडे के चार्ट पे अभी देखोगे तो इसमें भी अपना एक रेंज बना हुआ है, ठीक है। और ये जो रेंज है 39750 के ऊपर ऊपर का रेंज, और नीचे का जो रेंज है वो है 38900, ठीक है। इस रेंज में मार्केट अभी मार्केट ट्रैवल कर रही है पिछले चार दिनों से, और इसी रेंज में ट्रेड दिखा रही है, क्लोज हो रही है। और अभी आपको मंडे के दिन किस तरह से कामकाज करने वाला है, क्या लेवल्स निकल के आने वाला है, वो मैं आपको वनडे के नहीं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम लोग चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं। तो हाई देखोगे फ्राइडे के दिन का 39700 का है, और लो देखोगे तो 38950 के आसपास का है, ठीक है। तो अभी देखोगे अपने हायर के आसपास ही मार्केट क्लोज हुई है, तो हायर के आसपास जब मार्केट क्लोज हुई है तो आपको क्लियर कट पता है कि इस लेवल में जो भी बायर्स बच्चे बैठे हैं खरीदने खरीद कर, वो अभी भी मार्केट में बैठे हुए हैं। तो अब देखोगे कल के दिन, मंडे के दिन, अब देखो क्या हुआ, सिनेरियो कुछ यही बनेगा कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हुई, 39700 है, 200 पॉइंट गैप अप हुई तो 40000 के आसपास होती है, तो अभी 40000 पे काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। नीचे के साइड में 39500 मेक एंड ब्रेक वाला लेवल है, ठीक है। 39500 पे काफ़ी ज़्यादा कॉल के साइड और पुट के साइड ओपन इंटरेस्ट अभी मार्केट में है, 40000 पे भी काफ़ी ज़्यादा है। तो 40000 पे आसपास अगर यहाँ पे खुलती है, ओपन होती है, तो फिर यहाँ से सेलिंग और मुनाफा वसूली दोनों देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मिलता है और मार्केट जो है अपने फ्राइडे के हाई को रिस्पेक्ट करता है और वहाँ पर मार्केट रुकती है, ग्लोबली माउट माहौल पॉजिटिव दिखती है, सिंपल जो मैंने आपको कहा, तभी यहाँ से मार्केट ऊपर के साइड में फिर से 40000 तक जा सकती है, जहाँ से घुड़ के आई मार्केट वहाँ तक जा सकती है। जैसे यहाँ पे देखो फ्राइडे के दिन हाई लगाया, मार्केट कहाँ आया, नीचे कहाँ तक आया, 38950 तक। अब 38950 से मार्केट फिर वहाँ तक तो पहुँचा ना, तो उस हिसाब से मार्केट में आपको ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है और इसी तरह से ही ट्रेड लिया जाता है। आप जब भी देखोगे मार्केट में यही एक सिनेरियो होनी चाहिए लेवल के हिसाब से ट्रेड करने का। अब मार्केट मान लो कि यहाँ पे ओपन हुआ, अब मार्केट यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग, पहला जो वॉलेटिलिटी थी उसमें आपको मौका नहीं मिला, अब मार्केट यहाँ आ गई, यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया, मान लो यहाँ लिया, तब इसी जगह से जब मार्केट सपोर्ट लेके, तब यहाँ पे आपको अगर मूड माहौल ठीक है, खरीदारी दिखा रही है, तब वहाँ पर आपको क्या करनी है, बाय करनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ बहुत सारे कैंडल पैटर्न बन रहा है, तो कैंडल पैटर्न को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कैंडल पैटर्न के बारे में नहीं पता है, तो अभी परसों मैं एक वीडियो अपलोड किया हूँ कैंडल पैटर्न के बारे में, उस वीडियो को आप लोग जाके देखिए, काफ़ी ज़बरदस्त है। 6 कैंडल पैटर्न के बारे में मैं आपको बताया हूँ, तो आप उस वीडियो को देख के कैंडल पैटर्न के बारे में समझ सकते हैं। तो अब वहाँ से मान लो कि कोई कैंडल पैटर्न बना, कुछ अच्छी खासी बाइंग आई, तो फिर मार्केट वहाँ तक तो जाएगी ना जिस लेवल में खुली थी।
तो ये टारगेट आपको मिल सकता है इतना का कॉल में। तो इस हिसाब से करिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आई और इस लेवल में नहीं आके नीचे गिर गई मार्केट, तो आप यहाँ से पीई में ले सकते हैं और वो ले सकते हैं प्रीवियस डे के लो तक का टारगेट लेके। ठीक है, सिंपल है आपका कि मार्केट अगर गैप अप हुआ तो ठीक है, अगर मान लो कि इस रेंज में मार्केट हुआ ये 39,200, 39,100 या 39,300 के आसपास 200-300 पॉइंट गैप अप हुआ, तब यहाँ से क्या हुआ कि मार्केट अगर इस जगह को रिटेस्ट करती है तो ठीक है, नहीं करती है तब यहाँ से सीधे ऊपर जा सकती है और अपने प्रीवियस डे के हाई उसका टारगेट ले सकती है। तो आपको देखना क्या है, मार्केट कहीं भी खुले, अगर मार्केट बीच में खुलती है तो आपको 39,000 जो है एक अच्छा खासा सपोर्ट का रेजिस्ट दिखाएगा, और अगर ऊपर खुलती है 39,500 के ऊपर खुलती है तो 39,500 है ये सपोर्ट का काम करेगा एक बार की मार्केट में। तो ध्यान से आप अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझकर ट्रेडिंग करिए। बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा बताने के लिए नहीं है, और ज़्यादा अभी ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा डेटा नहीं है, हालांकि जो ही डेटा है उसके हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ कि 39,500 मेक एंड ब्रेक लेवल है, 39,500 सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, अगर नहीं करता है तो फिर पिछले दिन का जो लो है ये सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और यहाँ से आप कॉल बाय कर सकते हैं। गैप अप ओपन होगा तो गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट में एक बार रिटेस्ट नीचे करने के लिए आएगा, और रिटेस्ट करेगा कहाँ, 39,500 के आसपास करता है तो वहाँ से भी कॉल में जगह बन सकती है, और जगह बनेगा तो टारगेट क्या रहेगा, प्रीवियस डे का पहला हाई, उसके बाद जहाँ पे खुली वहाँ पे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का, उसको फॉलो कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।